उत्तर प्रदेश की सियासत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नई करवट लेती दिख रही। पिछले कई दिनों से बसपा के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की चर्चा काफी तेजी से चल रही है, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा यूपी में मायावती के साथ गठबंधन करने की वकालत कर रहा है। इस तरह से कांग्रेस गठबंधन के लिए दो नाव पर सवार है, जिसके चलते ही सपा और बसपा के बीच तकरार शुरू हो गई है। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि बसपा अगर गठबंधन का हिस्सा बनती है तो उनका रहना मुश्किल होगा। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के बाद मायावती की गारंटी कौन लेगा। अखिलेश की यही बात मायावती को अखर गई और इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक बयान देकर के सपा को दलित विरोधी बता करके कटघरे में खड़े करने में बीजेपी के साथ अखिलेश के मिले होने का आरोप भी मायावती खुले तौर पर लगा रही है। दरअसल बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सियासत चर्चा के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बलिया में मायावती के भरोसे को लेकर के सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि उनकी यानी कि मायावती की जिम्मेदारी कौन लेगा। अखिलेश का इशारा मायावती के पाला बदलने को लेकर के था। वो ये बताना चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। बसपा यूपी में 3 बार बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना चुकी है, जिसके आधार पर अखिलेश यादव एक बार फिर से उनकी लॉयल्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो मायावती को नागवार गुजर रहा है। और उसके बाद से उन्होंने ताबड़तोड़ हमला सपा पर शुरू कर दिए हैं। मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट यानी एक्स पर लिखा कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के गठबंधन को लेकर के इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा दोबारा से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। यही नहीं, बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं तो उनकी पहली शर्त यही होती है कि बसपा से दूरी बनाए रखनी होती है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 के सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए और इनकी सरकार के दौरान कई दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बसपा के प्रदेश ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से यह षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी के दफ्तर कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटा करके पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी के अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में भी पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षाकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। साथ ही उन्होंने बसपा दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की गुहार भी लगाई। मायावती ने इससे पहले शनिवार को ट्वीट करके कहा था कि अखिलेश यादव को किसी तरह से और कुछ भी बयान देने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, उन्हें अपने गिराबान में झांक करके देखना चाहिए कि उनका दामन बीजेपी को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। उन्होंने आगे लिखा, साथ ही तत्कालीन सपा प्रमुख यानी कि मुलायम सिंह यादव के द्वारा बीजेपी को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता, और फिर बीजेपी सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। दरअसल अखिलेश यादव और मायावती के बीच जुबानी जंग के पीछे सबसे बड़ी वजह एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताने की है, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा बसपा को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे से जब सवाल किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा के साथ कोई बातचीत चल रही, इस पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति इस पर काम कर रही है, बसपा के साथ उनकी क्या चर्चा हुई मुझे नहीं पता, लेकिन जब सबका लक्ष्य एक ही है, हमें बाहर आना है और अघोषित आपातकाल से छुटकारा पाना है, तो इसके लिए सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों को एक लक्ष्य के साथ एक साथ आना होगा। इस तरह से कांग्रेस के नेता यूपी में बसपा के साथ गठबंधन की बात पार्टी हाईकमान के सामने भी रख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इंडिया गठबंधन में फिलहाल कांग्रेस सपा आरएलडी शामिल है। इसके अलावा कृष्णा पटेल के अपना दल और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ रहने की भी संभावना है। यूपी में विपक्षी गठबंधन को लीड करने का जिम्मा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कंधों पर है, लेकिन कांग्रेस भी सियासी नफा नुकसान अपना देख रही। ऐसे में बसपा के साथ गठबंधन के पीछे कांग्रेस का एक धड़ा है, जिसे लगता है कि मायावती को साथ लिए बिना बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। ऐसे में सपा नहीं चाहती है कि बसपा को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही दल साथ थे, पर चुनाव के बाद बसपा ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद से अखिलेश हर हाल में मायावती को बीजेपी की बी टीम बताने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव और मायावती ने 2019 में मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें बसपा को 10 और
सपा को 5 सीटों पर जीत मिली थी, हालांकि बीजेपी को मात नहीं दे सके, जिसके चलते चुनाव के बाद मायावती ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया था। अखिलेश ने बसपा के कई नेताओं को अपने साथ मिला लिया था, जिसके चलते दोनों दलों के बीच सियासी रिश्ते काफी खराब हो गए थे। 2022 के चुनाव में बसपा महज एक सीट पर सिमट गई है और सपा मुख्य विपक्षी दल बनकर के उभरी है। इस तरह से अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बीएसपी को विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनाकर के दोबारा से मायावती को भरने का मौका न दिया जाए, जबकि कांग्रेस को लगता है कि मायावती के आने से दलित वोट एकजुट होगा। अखिलेश और मायावती के बीच सियासी तकरार ऐसे समय पर हो रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष कई तरह की कोशिशें की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती अभी तक कांग्रेस पर तीखे हमले करती रही, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पर खामोशी अख्तियार कर रखी है, इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को लेकर के कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। मायावती इसलिए सपा के खिलाफ आक्रामक है क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। सियासत में कुछ भी हो सकता है, बिहार में जब नीतीश और लालू फिर से साथ आ सकते हैं तो फिर मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ हाथ क्यों नहीं मिला सकती है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह यह है कि ये सारा खेल मुस्लिम वोटों को लेकर के है। 2024 में गठबंधन का जो दल सियासी हिस्सा नहीं बनेगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, इसलिए मायावती भी अब अपना सियासी दांव चलना शुरू कर दिया, जिसमें उनके निशाने पर सपा जरूर है लेकिन कांग्रेस नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।